jungle. लोकसभा चुनाव 2019 के संबंध में चुनाव की घोषणा कर दी गई है और घोषणा के उपरांत तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू है और इसी के क्रम में हम इस जिले में भी 144 धारा अभी लागू है चुनाव कंप्लीशन होने तक। मुख्यतः हम कुछ इम्पॉर्टेंट बातें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताना चाहते हैं। कल आयोग के घोषणा के बाद हम सभी अवगत हैं कि शेखपुरा जिला का चुनाव निर्वाचन तिथि प्रथम चरण में है और निर्वाचन तिथि 11 अप्रैल 2019 है। शेखपुरा जिला निर्वाचन क्षेत्र दो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंतर्गत आता है जिसमें दो नवादा के अंतर्गत हमारा बरबीघा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है और जमुई पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के तहत शेखपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है। जिले में कुल एक भारत निर्वाचन आयोग की घोषणा के बाद मैं एक ब्रीफ बता देती हूँ कि कल का चुनाव की घोषणा के उपरांत जो नोटिफिकेशन की तिथि है वो 18 मार्च 2019 से प्रारंभ होगी, दिन सोमवार है और अंतिम दिन नामांकन का 25 मार्च 2019 दिन सोमवार। स्क्रूटनी के लिए तारीख 26 मार्च तय की गई है और लास्ट डे ऑफ विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर 28 मार्च 2019 तय है। निर्वाचन की तिथि 11 अप्रैल है और काउंटिंग ऑफ वोट्स 23 मई 2019 को संपन्न किया जाएगा और निर्वाचन से संबंधित सभी प्रक्रियाएं 27 मई के पूर्व हम लोगों को करना है। सभी इन क्षेत्रों के रिटर्निंग ऑफिसर जिला निर्वाचन पदाधिकारी जमुई एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी नवादा निर्धारित किए गए हैं। शेखपुरा के अंतर्गत दो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं जिसमें एक शेखपुरा जिला के अंतर्गत दो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं 169 शेखपुरा जिसके अंतर्गत जो जमुई डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और दूसरा 170 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी बरबीघा जो नवादा जिले के अंतर्गत है। पूरे जिले में कुल 457,469 मतदाता हैं जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 240,614 एवं महिला मतदाताओं की संख्या 216,855 है। इसके अतिरिक्त 22 फरवरी 2019 जब अंतिम प्रकाशन किया गया उस वक्त हमारे यहाँ 663 सेवा मतदाताओं की संख्या है जिसमें पुरुष वर्ग में 727 मेंबर हैं और उनकी पत्नियां 36 हैं। कुल मिलाकर ये योग 763 हो जाता है। शिफ्टेड डेड डीएससी के क्रम में कुल 561 मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से अब तक हटाया गया है और कोई भी सो मोटो डिलीशन हमारे यहाँ नहीं किया गया है। जहाँ से प्रपत्र में एक आवेदन प्राप्त था उसी का प्रोसेस करके ये कार्य हुआ है। सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम और वीवीपैट का प्रयोग किया जाएगा, ये भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा कल भी स्पष्ट कर दिया गया है और इसी के क्रम में सभी जगह ईवीएम्स की हैंड्स ऑन प्रशिक्षण अभी दिया जा रहा है। मतदान केंद्र के संबंध में मूल मतदान केंद्र शेखपुरा के अंतर्गत 263 हैं और इस कोई भी सहायक मतदान केंद्र अभी नहीं है तो इसलिए मूल मतदान केंद्र की संख्या बरबीघा के अंतर्गत बरबीघा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 234 कुल मिला के शेखपुरा जिला के निर्वाचन क्षेत्र में 497 मतदान केंद्र अभी बनाए गए हैं। इसमें से कोई भी नक्सल प्रभावित मतदान केंद्र बरबीघा शेखपुरा के अंतर्गत नहीं है। एक बरबीघा के अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय काशी बीघा है। भेदता मानचित्र पर भी काम किया गया है, इसमें भेदता मतदान केंद्रों की संख्या कुल 281 और चिन्हित भेदता क्षेत्रों की संख्या कुल 341 है। लोकसभा निर्वाचन 2019 को पूरी दृढ़ता और फ्री और फेयर तरीके से करने के लिए और एमसीसी का अक्षरशः अनुपालन करने के लिए भी विभिन्न गठित दलों का विवरण इस प्रकार है। 169 शेखपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 3
FST, 3 SST, 2 VST, 2 VVT, 2 लेखा टीम, 1 शिकायत अनुश्रवण निवारण, 1 उत्पादन नियंत्रण केंद्र स्थापित किए गए हैं। 170 बरबीघा असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी के अंतर्गत FS3 FST, 3 SST, 2 VST, 2 VST, 2 PVT, 1 शिकायत अनुश्रवण निवारण और 3 उत्पाद नियंत्रण केंद्र। कुल जिले के लिए कुल 6 FST, 6 SST, 4 VST, 4 VVT, 4 लेखर्दक, 2 शिकायत अनुश्रवण निवारण थे और 6 उत्पाद नियंत्रण केंद्रों को स्थापित किया गया है। इस बार सी विजिल के सफल संचालन हेतु एक अलग कोषांग भी गठित किया गया है और सभी लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कॉन्टैक्ट सेंटर और 1950 जो हेल्पलाइन है वो जिले में कार्यरत है। विधि व्यवस्था को सही ढंग से संचालित करने के लिए भी हम लोग तत्पर हैं, जिसके अंतर्गत अब तक सभी प्रकार के प्रिवेंटिव एक्शंस पर भी कार्रवाई की जा रही है। 22/2/19 तक कुल सभी कार्य हम लोगों ने किया गया, इसका डिटेल जो आपको दिया जाएगा उसमें है। लगातार इलिसिट लिकर पर रेड करी गई है और 1 जनवरी 2019 से 28/2/19 तक जो अवैध शराब की जब्ती है वो लगभग 2076 लीटर करा है और इस पर विनिष्टीकरण का कार्यक्रम भी किया जा रहा है। इसी प्रकार आर्म्स रेड भी लगातार करे जा रहे हैं। अब तक 4 अवैध हथियार जब्त भी किए गए हैं और डिपोजिशन ऑफ आर्म्स के लिए हम लोगों ने एक एडवर्टीजमेंट निकाला है आर्म्स वेरिफिकेशन के लिए, जो 12 मार्च से 16 मार्च की अवधि तक चलेगा और इसी क्रम में वेरिफिकेशन और डिपोजिशन की कार्रवाई भी की जाएगी। व्हीकल चेकिंग लगातार सघन अभियान चलाया जा रहा है और चलाया जाएगा। अब तक कुल 232,450 रुपये का जुर्माना किया गया है और 119 लोगों पर इस क्रम में 107 की कार्रवाई भी की गई है। CCA के लिए अभी हम कोई प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में इस प्रकार की आवश्यकता अनुसार CCA 3 और 12 के अंतर्गत सुसंगत धाराओं में कार्रवाई प्रस्तावित है। इलेक्टोरल ऑफेंस 2014 के अभी कोई भी लंबित 17 इसमें 2014 में कुल 7 मामले दर्ज किए गए थे, सभी पर चार्जशीट दायर हो गया है और सभी मामले निष्पादित हैं। इसी प्रकार बिहार विधानसभा आम निर्वाचन चुनाव 2015 के अंतर्गत कुल 17 मामले दर्ज हुए थे, जिसमें सभी मामलों पर चार्जशीट दायर है और सभी मामले निष्पादित हैं। वोटर टर्नआउट रेशो विगत लोकसभा इलेक्शन में शिवपुरा विधानसभा अंतर्गत क्षेत्र में 52.02% और बरबीघा क्षेत्र में 54.02% और जिले का 53.02% था। असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी इलेक्शन 2015 में 169 शेखपुरा में 55.51 और 170 बरबीघा के अंतर्गत 54.43, कुल मिला के जिले में 54.97 मतदान प्रतिशत विगत असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी में था। मुख्यतः शेयर करने थे, इसके उपरांत कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग बताना चाहेंगे।